बांग्लादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर के बिदुरकुटी पहुंचकर जहां पौधारोपण अभियान का श्रीगणेश किया, तो वही बिजनौर जनपद के लिए 446 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। एक संस्कृत महाविद्यालय की भूमि का भी शिलान्यास सीएम योगी द्वारा किया गया। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 13 लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया, जिनमें छात्रों को लैपटॉप, गरीब परिवार को मकान की चाबी और एनआरएलएम के तहत 12 करोड़ 60 लाख का चेक सौंपा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि आज मुझे माँ दुर्गा के पावन तट पर वृक्षारोपण करने का सौभाग्य मिला है, इसलिए आज मैं विदुर की भूमि बिजनौर आया हूँ। बिजनौर की धरती को मैंने इसलिए चुना क्योंकि माँ गंगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में सबसे पहले प्रवेश करती है। वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश भर में सब लोग वृक्षारोपण में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी 100 साल पुराने वृक्ष हैं, उन्हें विरासत घोषित किया गया है। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। वृक्षारोपण जन अभियान जो कभी अवसर बदल जाते हैं, कभी मौसम बदल जाते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का साहस, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास से परिपूर्ण कार्यशैली और हम सबके प्रति उनका स्नेह। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्य किलोमीटर की यात्रा पूरी तय करती है और उसमें
सर्वाधिक 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी उत्तर प्रदेश की धरती में मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारा उत्तर भारत इतनी समृद्ध उपजाऊ भूमि के कारण जल संसाधन के लिए अगर आज भी दुनिया के अंदर सबसे समृद्ध माना जाता है तो उसमें मां गंगा की कृपा है, उसका आशीर्वाद है, ये साक्षात दिखाई देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब हम यहां पर आए हैं ये तय करने के लिए, वृक्षारोपण महाभियान तो चल ही रहा है, भव्य गंगा तो निकल ही रही है, आज हम इसलिए भी आए हैं कि विदुर कुटी से एक बार फिर से मां गंगा की एक धारा सदा महा धारा निकले और विदुर कुटी फिर से तीर्थ धाम के रूप में विकसित हो सके, बेहतरीन पर्यटन के रूप में विकसित हो सके, बिजनौर का एक अच्छा पर्यटन का केंद्र बन सके। इसके लिए मैं मेरे साथ में जल शक्ति मंत्री, मेरे साथ वन मंत्री और हमारे सभी जनप्रतिनिधि एक साथ आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज से 5000 वर्ष पहले याद करिए विदुर कुटी के बगल से ही मां गंगा निकलती थी, मां गंगा का आशीर्वाद उसी के बगल से होकर के मिलता था। आप सोचिए 5000 साल पहले किसी का इतिहास दुनिया के अंदर मिलेगा? 5000 साल पहले उससे